कोटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्वराज एक्सप्रेस में दो चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए एक व्यापारी का 1,70,00,000 रुपयों से भरा बैग लेकर एक चोर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया, जबकि चोर के एक अन्य साथी को लोगों ने पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुंबई निवासी गौतम कुमार सोनाजी शाह की पुरानी दिल्ली से रामराज मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान की होलसेल दुकान है, जो कि अपने व्यापार का पैसा लेकर दिल्ली से ट्रेन में सवार हुआ था, जिसने 1,70,00,000 रुपयों से भरा बैग अपनी सीट के नीचे बांध रखा था, जिसे दो चोरों ने झटका मारकर तोड़ लिया और चलती ट्रेन से एक चोर कूदकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ये रुपए हवाला के हो सकते हैं, जिसकी जांच में कोटा पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। वहीं पीड़ित व्यक्ति गौतम ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया है, जिससे चुनाव के समय उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।